ऐसा देश जहाँ तुम चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी अब केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने यह केस दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर पैसे की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया था, 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था खाते से, और अब ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस जांच में रोड़े अटका रही है। सुशांत को इस केस को लेकर बिहार के डीजीपी इस समय बैठक कर रहे हैं। पटना के आईजी और एसएसपी भी डीजीपी के साथ इस समय बैठक में मौजूद हैं। बिहार पुलिस की जांच में मुंबई पुलिस पर रोड़े अटकाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो लगातार एक के बाद एक इस मामले में नए मोड़ आ रहे हैं, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर इस मामले की सीबीआई जांच कराने से महाराष्ट्र सरकार बार बार इनकार क्यों कर रही है। वैसे ज्यादातर लोग सुशांत सिंह को उनके फिल्मी किरदारों की वजह से जानते हैं, लेकिन आज हम आपको सुशांत की कहानी उनकी बहन के नजरिए से दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सुशांत की बहनें क्या सोचती हैं अपने छोटे भाई के बारे में, अपनी बहनों के बारे में सुशांत क्या कहते थे। शुरुआत करते हैं सुशांत की बहन कीर्ति से, जिन्होंने सोशल मीडिया में बेहद भावनात्मक तरीके से सुशांत को याद किया। चार बहनों का इकलौता भाई, सारी बहनों का लाडला। चिट्ठी न कोई संदेश। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने नहीं आ पाएगा वो भाई, ना ही फोन पर अपनी बहनों को कह पाएगा हैप्पी राखी, क्योंकि वो भाई खो गया है दूर सितारों में। सिंह राजपूत अब नहीं है, लेकिन बहनों के पास यादों का पूरा खजाना है, खासकर अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पास। बहन श्वेता के लिए सुशांत पिटिया थे, क्योंकि श्वेता के बाद सुशांत का जन्म हुआ था, लिहाजा छोटे भाई सुशांत के लिए श्वेता के मन में खास प्यार था, जो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में छलक आया। सुशांत को याद करते हुए श्वेता लिखती हैं, वो छोटा बच्चा मेरा पिटिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिटिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है, और मैंने पूरी खुशी में ये सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। गुड़िया का गुलशन अब नहीं है, अपने पीछे छोड़ गया वो बेशुमार यादें जो ताउम्र बड़ी को कसक देती रहेंगी। ये कसक श्वेता की पोस्ट में भी उभर कर सामने आया है। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती, ताकि जिंदगी के शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी, ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। काश 14 जून की वो मनहूस तारीख नहीं आती। काश श्वेता के बुलावे पर सुशांत अमेरिका चले गए होते। सुशांत सिंह की मौत से ठीक 5 दिन पहले का ये व्हाट्सएप चैट देखिए, जो श्वेता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। श्वेता ने पूछा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी, यहाँ पर रानी दी और आप आ जाओ यहाँ। इस पर सुशांत ने बस इतना लिखा, बहुत मन करता है दी, साथ में दिल की 2 इमोजी। काश सुशांत मन की मान लेते और बहन से मिलने अमेरिका चले गए होते,
तो यादगार हो जाती इस बार की रात। पोस्ट में श्वेता कीर्ति ने छोटे भाई सुशांत से अपने स्नेह का बेहद ही खूबसूरत तरीके से इजहार किया है। श्वेता ने बताया कि किस तरीके से एक दफा सुशांत उनकी क्लास में पहुंच गए थे। मुझे उसे देखकर अपने क्लास में काफी हैरानी हुई और खुशी भी। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और मेरे पास आना चाहता था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि वो कितना साहसी है, क्योंकि वॉचमैन की आंखों के सामने बिल्डिंग से निकलना, फिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर वॉचमैन की आंखों के सामने दूसरी बिल्डिंग में आकर मेरे क्लास को ढूंढ लेना कोई आसान बात नहीं थी। उसके मन की बात जानकर मुझे लगा कि उसका उसके क्लास में भागना जायज है, क्योंकि मुझे भी वैसी भावनाओं का एहसास था। जब पापा ने मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैं लगातार चिल्लाती रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़िए। ये वैसी जगह अकेले होने का डर था जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। तब 5 साल की उम्र वाली बड़ी बहन होकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ रह सकता है। पहले तो मैंने उसे अपने और दोस्तों के बीच में छिपाने की कोशिश की, लेकिन अटेंडेंस लेते वक्त टीचर ने देख लिया। मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर मैं अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हुई और टीचर को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीचर से पूछा कि क्लास खत्म होने तक वो मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। हम खूब खुश हुए। भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे, जबकि 4 बहनों में श्वेता सबसे छोटी। सुशांत की सबसे बड़ी बहन मीतू राज्य स्तरीय क्रिकेट रह चुकी हैं और वो मुंबई में रहती हैं। दूसरी बहन प्रियंका सिंह दिल्ली में रहती हैं, जबकि तीसरी बहन रानी हरियाणा में। रानी के पति ओपी सिंह हरियाणा पुलिस के ADG है और श्वेता अमेरिका में रहती हैं। पीछे छूट गई हैं वो बेशुमार यादें जो उनका खुशनुमा एहसास कराती रहेंगी, लेकिन वो यादें बार बार ये कसक भी देंगी कि काश उस मुश्किल वक्त में कोई उस छोटे भाई के साथ हो। और अब बात सुशांत की बड़ी बहन मीतू की। मीतू सिंह राजपूत स्टेट लेवल क्रिकेटर रह चुके हैं। मीतू को सुशांत अपने आदर्श के तौर पर देखते थे। काय पोचे में सुशांत ने क्रिकेटर का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने कहा था कि इस किरदार के लिए उन्हें अपनी दीदी मीतू से प्रेरणा मिली थी। जब से फिल्म धोनी रिलीज हुई, एक क्रिकेटर के रूप में सुशांत के पहले किरदार को लोग भूल गए। पहली बार फिल्मी पर्दे पर सुशांत क्रिकेट खेलते और एक बच्चे को बड़ा क्रिकेटर बनाते नजर आए थे। बहुत कम लोगों को पता है इस किरदार के लिए वो अपनी बड़ी बहन मीतू से प्रेरित हुए थे। काईपोचे के रिलीज के बाद सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन वो मेरी बहन ही थी जिसने मुझे इस किरदार के लिए प्रेरित किया। मैंने मीतू दीदी के पुरुष वर्जन का किरदार निभाया है। सुशांत की सभी बहनों में मीतू सबसे बड़ी है। वो राज्य स्तर की क्रिकेटर रह चुकी है। काईपोचे के रिलीज होने के बाद सुशांत ने कहा था, मैं इससे बेहतर और किसी किरदार को निभाने की सोच नहीं सकता था। मैंने क्रिकेट के प्रति ईशान के जुनून, परिवार, दोस्तों और समाज को अपनी बात समझा पाने के लिए सतत संघर्ष और खुद को समझ पाने की जद्दोजहद को तुरंत समझ लिया था। ये मेरी बहन मीतू थी जिसे मैं स्क्रिप्ट में देख पा रहा था। ये था भाई बहन का प्यार। सुशांत के लिए ऐसी अनमोल थी उनकी मीतू दी। बड़ी बहन मीतू के बारे में सुशांत ने आगे कहा था, मेरी बहन मीतू मेरी रोल मॉडल थी। मैंने जब उनसे पूछा कि काईपोचे में खुद को पहचाना, तो उन्होंने कहा था, अरे तूने तो मुझे डाल दिया अपने किरदार में। ये मेरे लिए महान जीत का पल था। कितनी खूबसूरत यादें हैं। बहन का किरदार सुशांत ने फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया और अब उसी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मीतू सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो। मीतू सिंह को सुशांत अपना आदर्श मानते थे। अब मीतू सिंह अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए डटकर सामने। मुंबई में पूछताछ में बिहार पुलिस के सामने मीतू सिंह ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। मीतू सिंह ने पुलिस को बताया कि सुशांत पूरी तरह से रिया के कंट्रोल में था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत का डर दिखाकर उसने सुशांत का पिछला घर बदलवाया। यह आरोप भी मीतू सिंह ने लगाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में वैसे तो कई पेच हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत की बहन मीतू ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल संगीन हैं, बल्कि सनसनीखेज भी हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज होने के बाद मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया। अपने बयान में सुशांत की बहन ने रिया पर चौंकाने वाला आरोप लगाया।
मीतू सिंह ने कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के इस घर में रिया और सुशांत साथ साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे जबकि रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके पुराने घर में भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि वो उनके साथ नए घर में रह सके, और नए घर में शिफ्ट होने के बाद सुशांत पूरी तरह से रिया के नियंत्रण में आ गए। सुशांत की बहन मीतू ही थी जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी। उनके सामने ही चाबी बनाने वाले की मदद से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया था। उस दिन मुंबई पुलिस ने मीतू सिंह से पूछताछ की थी, लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं किया था। पहली बार पटना पुलिस ने मीतू सिंह का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में मीतू सिंह ने रिया और सुशांत के बीच आखिरी कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में काफी कुछ बताया है। मीतू ने अपने बयान में कहा, 8 जून की शाम रिया ने मुझे कॉल करके अपने और सुशांत के झगड़े के बारे में बताया। इसके बाद मैं सुशांत के पास गई तो उसने मुझे बताया कि रिया घर छोड़कर चली गई है। दोनों की लड़ाई हुई जिसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो अपने साथ अपनी और कुछ सुशांत की चीजें भी लेकर चली गई है। इस घटना से सुशांत काफी परेशान था। मैंने उसे काफी समझाया और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। इसके बाद मैं 12 जून को घर वापस चली गई क्योंकि मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। इसके महज 2 दिन बाद मीतू के पास एक फोन आया जिसे सुनकर उनके लिए एक पल भी रुकना मुश्किल था। पटना पुलिस को मीतू ने बताया, 14 जून की सुबह मुझे सिद्धार्थ पिठानी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन उसके घर गई। हमने एक चाबी वाले को बुलाया। जब दरवाजा खुला तो सुशांत सामने फांसी में लटका हुआ दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू की। 15 करोड़ रुपए हड़पने के बाद रिया पर सुशांत को भूत प्रेत का डर दिखाने का यह आरोप केस में आया एक चौंकाने वाला मोड़ है। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहेगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।